पर वो इंडिविजुअल के लिए है। अब भी देखो बहुत सारे रिकॉर्ड ने लेटर लिख दिया, जो ये झूठी चल रही थी और ये चली थी, ये झूठी खबर चली थी हैदराबाद से, और इसके पीछे एक रिटायर्ड अधिकारी जिसने वो लेटर, वो एक एप्लीकेशन ही बना के व्हाट्सएप माफिया पे घुमा दी और वहाँ से वो भर के भेजने लग गए पूरा सैन्य, क्योंकि अब क्योंकि व्हाट्सएप पे आई तो सब सोचते हैं कि ये सच है, जबकि व्हाट्सएप के ऊपर 110% झूठी खबरें आती और भेजना शुरू कर दिया। अब रिकॉर्ड वापिस जवाब दे रहा है कि 15 साल ही कम्यूटेशन कटेगा, और वो आर्मी एक्ट का भी हवाला दे रहा है और पेंशन रेगुलेशन का भी हवाला दे रहा है। तब भी बहुत सारे कोट टाई लगा के झूठी खबरों को बेच देते हैं और हाथों हाथ उन खबरों को हम पकड़ भी लेते हैं, ऐसा होता है। तो कम्यूटेशन का भी कोई फैसला नहीं है। अब भाई जिनके पर्सन है उनके आने दो, एक भाई बोल रहा था कि अब कोई पिछले साल रिटायरमेंट आया हुआ 70% से डिसेबिलिटी से, उसको पैसे नहीं मिले होंगे डिसेबिलिटी बोर्ड के, तो भाई वो तो बंद कर रखा है अब, और अब तो डिसेबिलिटी पेंशन के रूल और रेगुलेशन भी बहुत सख्त बना दिए गए बोर्ड के, कि जो बोर्ड देखेगा तभी डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। यहाँ तक कि इस जो ये डिसेबिलिटी पेंशन का जो कानून बनाया है, इससे पहले अगर किसी कोई परमानेंट चल रहा था डिसेबिलिटी में और उसका बोर्ड 25% 30% 35% 40% था, अब एकदम घटा के उनका 10-10% किया हुआ, और 10% 8% से उनको आउट मतलब पेंशन भी भेजा जा रहा है, जो पेंशन जिनकी नौकरी पूरी हो ली वो कोई 8% डिसेबिलिटी लेकर आ रहा है 12%, और इससे भरमार हो गई अब कहाँ पे न्यायालय के अंदर। अगर किसी भाई को भी ऐसा है कि उसकी डिसेबिलिटी पेंशन 8% है 12% है, तो वो कोर्ट का पक्का सहारा ले, कोर्ट से आपको न्याय भी मिलेगा और आपको डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलेगी पक्का। आप कोर्ट में जाइए, आप घर पे ना बैठिए कि आपको 8% डिसेबिलिटी दे दी, एक तरह से तो आपको डिसेबिलिटी भी घोषित कर दी 8% दे के, क्योंकि भाई कहीं ना फिट फॉर तो किया नहीं, तो जब 8% किया है तो आपका कर्तव्य ये है कि घर में ना बैठ के आप कोर्ट में जाइए, अपना केस को लड़िए और डिसेबिलिटी पेंशन कोर्ट से लीजिए। अब बहुत सारे भाई हैं जो पुराने हैं, कोई 10 साल में जग रहा है, कोई 15 साल में जग रहा है, और अब जाके कोर्टों में जा रहे हैं, अगर वो 10-15 साल पहले चले जाते तो उनको भी मिल जाती, तो वहां पे जाना चाहिए। आज कमेंट कर दो भाई, कमेंट आए नहीं रहे होंगे, कमेंट करो, फिर उसके बाद में प्रश्नों का उत्तर देंगे। जब तक मैं बता देता हूं कि ORP 3 का जो सर्कुलर निकलेगा 777 सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसके ऊपर काम चल रहा है, और सरकार भी जो 100 दिन का जो उसका अपना काम करने का उन्हें आंकड़ा सेट किया है कि 100 दिन में हम फलाना फलाना धक्कड़ काम करेंगे, उसमें ORP 3 भी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ORP 3 को कोई एक व्यक्ति ही सर्कुलर निकाल दे, क्योंकि उसके लिए तो बजट भी चाहिए, और बजट कहाँ से मिलेगा, वित्त मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय को भी परमिशन चाहिए, तो वो कैबिनेट देगी, तो कैबिनेट में ORP 3 के लिए प्रपोजल गया हुआ है, और कभी भी हो सकता है इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। वैसे तकरीबन जहाँ तक मेरा आइडिया है, जुलाई के लास्ट या अगस्त महीने तक ORP के बारे में सूचना आ जाएगी, क्योंकि 1 जुलाई 2024 को ORP 3 का रिवीजन ड्यू है, होना चाहिए। भैया कमेंट आने दो,